मंजिल आ गई। सुनो, कैमरा तैयार है। और वो अलार्म? माइल्स, मैं यहाँ क्या झक मार रहा हूँ? अरे यार, गुस्सा मत करो। देखो, हम यहाँ प्यार मोहब्बत से काम करते हैं। जैसा तुम कहो बॉस। ऐसा क्या? हाँ, ऐसा ही। ओफो, मैं जरा टेली को देख कर आता हूँ। ठीक है यार, ठीक ठाक ही रहना। क्या मैं सिगरेट पी रहा है? ना, बिल्कुल नहीं। झूठ बोल रहा है टली, मैं यहाँ ऊपर तक धुआं देख सकता हूँ, समझे? चल थूक दे सिगरेट, अबे कान के नीचे बजाऊंगा, बहुत मार खाएगा, तेरी माँ क्या कहेगी? आगे खुली रख, यहाँ सब तैयार है। यार, ये तो बार बार थूकता क्यों रहता है बे? अच्छा शगुन होता है। और अगर तेरी थूक मेरे पाँव पर पड़ गई तो बहुत बुरा होगा। तो पाँव जरा ध्यान से रखो। चल एंडिक, गुड लक दोस्तों। धुंधला सा। अच्छा चलो, किसी की आंखों में धूल झोंकनी नहीं पड़ेगी। तुमसे 20 फुट दूर एक गार्ड आ रहा है। जल्दी चलो, जल्दी। 10 फुट तुम्हारे बिल्कुल पास है, बस तुम तक पहुंच गए समझो। फिक्र मत करो, हो गया। चलो
भूल गया। ये रहे। तू हर वक्त मेरी फिरकी क्यों लेता है? घबराओ मत, इसे गौर से देखो। ये है दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी जहाँ हमारा हीरा छुपा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ताला तोड़ना चाहिए। नहीं कहते, हम पहले देखेंगे कहीं ये खुला तो नहीं है। ये खुला है पहले से। सच्ची? नहीं वे बच्चर, तू तो एकदम पका हुआ है। इसे थोड़ी खुला रखेंगे। तुझे क्या लगा तेरे घर का बाथरूम है जो खुला रखेंगे? मैं ऊपर जा रहा हूं। ठीक है। चल बेड़ो, काम हो गया। आ जाओ एडी। हीरा ले आए? वाइल्स हीरा लेके आता ही होगा। एडी क्या है? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? 17 करोड़ के 4 हिस्से करने होंगे। मैं कुछ ज्यादा ही लालची हूँ। क्या ये क्या बात हुई यार? हो गई छुट्टी। ओ जगास, देखो वहां क्या हो रहा है। क्या लाजवाब चीज है। लग गया हाथ वो तीर जो कर दे मुझे अमीर। जल्दी करो, यहां पर काफी हंगामा हो रहा है। पुलिस चारों तरफ है, जल्दी करो। एडी कहाँ है? वो मारा गया। हीरा कहाँ है? क्या हीरा कहाँ है? ये क्या कर रहे हो? देखो देख, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। हीरा मुझे दे दो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। देखो हीरा मुझे दो। होने वाले थे, ऐसा क्यों कर रहे हो? सब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुझे नहीं छोड़ूंगा। Thank you.
फाइल्स। फाइल्स। अंदर दो लोग हैं। सारी यूनिट तैयार रहे, कुछ खतरनाक गुंडे अंदर हैं। कुत्ते, ओ खूबसूरत कुत्ते, कितना अच्छा कुत्ता है तू, बिस्किट खाएगा? अच्छा बाहर जाने का दरवाजा कहाँ है ये तो बता दे। अबे चुप हो जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, चलो पीछे घूमो, पीछे घूमो। वो क्या मारो था मैं? अब वो ये औजार है, आपको चाहिए? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, बेहतरी इसी में है कि तुम चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले चलो। तुम्हारा कोई वकील हो तो बुला लो, अगर तुम्हारा वकील नहीं है तो सरकार तुम्हारे वकील का इंतजाम करेगी। बात समझ में आई? हाँ। बात समझ में आई? हाँ। चलो फिर, चलो। आसमान नीचे, आज मैं आजाद हो गया हूँ, क्या समझे भिड़ू? एक बेल्ट, एक जूते का फीता, एक बटुआ जिसमें कुल चार चवन्नियाँ। सिर्फ एक फीता? ओ भाई तुम्हें मालूम है जूते कितने महंगे हैं? सिर्फ एक फीता? जब मैं यहाँ आया था तब दोनों थे, तुमने लिया ना मेरा फीता? तुमने लिया ना फीता? तुम्हारे पास 2 सेकंड है यहाँ से दफा होने के लिए, यहाँ साइन करो और पेन छोड़ के जाना। भाई जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, मुझे लोगों से मिलना है, बहुत सारे काम करने मुझे, मेरी छावी जनीस। ले बाप, क्या पटाखा है। वैसे तुम एक फीते का क्या करोगे? मैं बताऊं क्या करोगे? फांसी लगा लोगे। मैं चलता हूँ, चले आंदे। चलो भाइयों, सरकार का खाओ और पेट बढ़ाओ, चलो साहब आ रहे, ये गेट खोल, चल। बाहर से कुछ मंगाना क्या चट्टी बनियान? बहुत हंस रहा है, मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। आज मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं छूट गया हूँ, मैं छूट गया हूँ। देवियों देखो, मैं छूट गया हूँ। जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे इस पट्टी की खुशबू लेनी है। ये क्या हुआ? ये मैं एक बात बताऊं, जब मैं जेल में था तब तुम खाती रहती थी क्या? मतलब जब मैं गया था तब तुम बिल्कुल पतली थी, दुबली पतली थी, अब एकदम भैंस की तरह हो गई हो, क्या हुआ क्या? खैर प्यार किया तो डरना क्या, हम तो दिल दे चुके सनम, फिक्र मत कर, हम साथ साथ हैं, बस तुम्हें गोद में नहीं उठा पाऊंगा। चलेगा ना? जेनीस, देख तेरा 2 टके का बॉयफ्रेंड आया है। मुझसे गलती हो गई, शायद आप उसके रिश्तेदार हो। देखिए अब मैं आपके लिए खजूर की खीर लाऊं? बुरा मत मानना इसकी बातों का। आ गई मेरी पतली सी छुई मुई। वाह माइल्स, वाह जानेवन, तुम खूबसूरत लगती हो, तुम हो ही खूबसूरत। और ये सब मैं 2 साल जेल में रहा इसलिए नहीं कह रहा हूँ। ओ जेल में तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना जानू, रात भर अकेले एक छोटी सी खटिया में खटमलों के साथ। एक बात बताओ माइल्स, मेरे बारे में कभी सोचा? तुम्हारे बारे में तो रात दिन सोचता था,
अब भी तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ये तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम सरेआम लोगों को लूट रहे थे। जनीश, मैंने कभी तुम्हें लूटा क्या? जनीश, अब मैं सुधर गया हूँ, तुम्हारी कसम यार। जनीश, जनीश, मेरी बात तो सुनो ना प्लीज। माइल्स, तुमने कभी सोचा कि दो साल में एक बार भी मैं तुमसे जेल में मिलने क्यों नहीं आई? हाँ, मुझे लगा कि तुमसे तुम्हारे जानू की हालत देखी नहीं जाएगी। जानू? तुम मेरे जानू नहीं हो, तुम झूठे हो। तुमने कहा तुम बैंक वाले हो। नहीं, बैंक लूटने वाला, वही तो मैं तुम्हें बताने वाला था। देखो, मैं कभी कभी हकलाता हूँ, पर अब मेरी हकलात ठीक हो रही है। माइल्स, मानती हूँ तुम्हारी अकल का जवाब नहीं, लेकिन तुमने मुझसे हर कदम पर झूठ कहा, मुझे धोखे में रखा। देखो जनीश, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, पर मैं सुधर जाऊंगा। तुम कभी नहीं सुधर सकते। देखो, जनीश, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस स्टेशन, हीरा तो यही रखा था, ये क्या आ गया है यहाँ पर? हाय, कैसी हैं आप? क्या ये वाकई पुलिस स्टेशन है? हाँ, क्यों? भैया टकले, ट्रैफिक पुलिस के लिए खाना। हाँ हाँ, यहाँ पे साइन करो। देखते हैं क्या लाए हो। फ्राइड राइस, चिली चिकन, वाह। हर चीज गंदा गरम पिज्जा रहा है, चीज पिज्जा, पुलिस अफसरों का मन पसंद पिज्जा। उन्हें समाज की रक्षा करनी है, पुलिस को भी खाना खाना होता है। अफसरों को खाने दो प्लीज, मैं पिज्जा देने आया हूँ, पिज्जा देकर ही रहूंगा, शुक्रिया। अफसरों, आपका पिज्जा। तीसरा माला लूटमार और कत्लेआम। हाँ जी, जान से जी, पिज्जा बहुत गर्म है पर अंदर से बड़ा नरम है। पिज्जा खाइए, अपना पिज्जा, झूम झूम के खाइए पिज्जा, ऐसे 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 पिज्जा, गिरने ना पाए, संभाल के रखिए। हाँ जी, पिज्जा का ऑर्डर है लूटमार और कत्लेआम विभाग के लिए। लूटमार कत्लेआम विभाग? लेकिन यहाँ मेरे रजिस्टर के मुताबिक उस विभाग से किसी ने पिज्जा का ऑर्डर तो नहीं दिया। पर तुम एक काम करो, ये पिज्जा यहाँ मेरे पास छोड़ जाओ। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, पिछली बार जब मैं यहाँ पिज्जा छोड़ के गया था तो वो अचानक गायब हो गया था। मतलब ये बिल्कुल मेरे सामने मिठाई छोड़ने जैसा है। अगर मेरे सामने मिठाई हो तो मैं तुरंत चबा जाऊंगा, आप समझ नहीं रहे। देखो, सिर्फ दो किस्म के लोग उस दरवाजे से अंदर जा सकते हैं, जिन्होंने हथकड़ी पहनी हो या वर्दी पहनी हो। तुमने दोनों में से कुछ नहीं पहना है ना भाई? अब मेरे पास ना हथकड़ी है ना वर्दी है। इंस्पेक्टर कार्लसन, उस कार्ड को नीचे से नहीं ऊपर से घुमाना पड़ता है। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। इंस्पेक्टर, सुनिए, तीसरे माले से ये पिज्जा का ऑर्डर किया था करीब एक घंटा पहले। अच्छा, तो उस मोटे के पास मैं ये नहीं छोड़ के जाना चाहता। हाँ वो तो ठीक है, पर मुझे समझ में नहीं आता कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। आप रख लो। देखिए, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, मैं ये नहीं ले सकता। आप नहीं, नहीं, आप ले सकते हैं प्लीज। देखिए, सुनिए, आप प्लीज, आप टिप भी रख सकते हैं। कार्ड मुझे मिल गया, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये तो तुमने वो हीरा चुरा कर पुलिस स्टेशन में रख दिया। मुझे पता नहीं था कि वो पुलिस स्टेशन है। आप ये बताइए, उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक पिज्जा बेचने वाले के पास सिक्योरिटी कार्ड देकर उनको शक नहीं होगा। मैं वापस वहाँ पिज्जा बेचने नहीं जाने वाला। तो क्या बन के जाओगे?
डिटेक्टिव। डिटेक्टिव? हाँ, जो दूसरे शहर से आया है, इसीलिए तो मुझे वो कार्ड चाहिए और एक नई फाइल भी क्राइम ब्रांच की। क्राइम ब्रांच की ही क्यों? क्योंकि हीरा वही है। ये काम जरा महंगा पड़ेगा। अकलू, मैं तो समझा हम रिश्तेदार जैसे हैं। हाँ, रिश्तेदार जैसे हैं, लेकिन रिश्तेदार तो नहीं है ना। अगर होते तो मुफ्त में करवाते। आप बिल्कुल नहीं बदले। सो तो है, बाद में मिलता हूँ। किया जाता है, इसे हथकड़ी कहते हैं और इसे ऐसे लगाया जाता है, ठीक है? मैं बहुत खड़ूस पुलिस वाला हूं, अगर मुझसे पंगा लोगे तो मैं नंगा कर दूंगा। खबरदार, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। अबे शाने, मैं हूं इंस्पेक्टर विजय। आजकल डीगन कहां है? सुना है दूसरे मुल्क में छोटी मोटी स्मगलिंग कर रहा है। मैंने तुम्हें उसके बारे में सावधान किया था। हाँ, किया तो था। उसे मालूम चल गया कि तुम छूट गए हो। ये रहा तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड, लेकिन ये बिल्कुल जाली है। शनाख्त हुई तो पकड़े जाओगे। फिक्र मत करो, मैं वहां से एक घंटे में निकल जाऊंगा। अच्छा। शुक्रिया, गुड लक। हवलदार कुत्ते, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। माफ कीजिए सर, इससे पहले इसने कभी ऐसा नहीं किया। मेरा खाने का डिब्बा सूंघ लिया होगा। कुत्ता कहीं का। ऊपर जाना है आपको। हाँ हाँ हाँ, ऊपर तीसरी मंजिल। शुक्रिया। कैसे भाई? क्या है? कुछ नहीं। आगे आगे आगे। गाड़ी तुम्हारे दोस्त की थी, पर तुम्हें उसका नाम याद नहीं? यार तुम अपना नाम तो भूलने गए हो ना? ये हथकड़ी बहुत टाइट है, बहुत दुख रहा है। पता है, बहाना अच्छा है। मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं, क्या आप इसे हथकड़ी ढीला करने को कहेंगी? मैडम, मेरी उंगलियां सूंघ पड़ गई है, देखी ना, कसम से। जानता हूँ मैं। डिटेक्टिव, इतना कस के नहीं। तुम कहती हो तो इसकी हथकड़ी मैं खोली देता हूँ। ठीक है, मेहरबानी मैडम। अंदर कौन है? कोई है क्या? बहुत ही अच्छी वकील है, चोरों का दर्द अच्छी तरह समझती है वो। खिड़की खुली कैसे? वो वहां वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसकी शर्ट खींच ली। और तुम कौन हो? मलोन।
अभी मेरा तबादला हुआ है और यह है मेरा बैज। तुम इसे जानते हो काल से? नहीं सर, मुझे तो तबादले की कोई खबर नहीं मिली। ये लेडीज बाथरूम है, प्लीज बाहर जाइए। ओह सॉरी सॉरी। चलो चलो निकलो यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, जरा फ्लश चला दो। जा रहा, वो जरा जोर की लगी थी इसीलिए मैं वापस नहीं आऊंगा। जरा अपने ट्रांसफर ऑर्डर्स दिखाएंगे मुझे? जी जी। पिछले 8 महीनों से मैं एक नए डिटेक्टिव की अर्जी भेज रहा था और अचानक तुम आ धमके। हाँ जी। पता नहीं इस देश का क्या होगा। तो तुम चोरी डकैती के केस सुलझाने में माहिर हो। 16 गोल्ड मेडल, राष्ट्रपति का सम्मान, तुमने भेज बदल कर भी काम किया है। अगर वहाँ पे वैसा लिखा होगा तो मैंने जरूर किया है। तुम जाने पहचाने लगते हो मलोन, क्या हम पहले मिल चुके? नहीं जनाब, कहीं आप बोलिंग तो नहीं करते? वही तो, तुम बोलिंग करते हो ना? थोड़ी बहुत। आज से तुम ऑफिस के बाहर डिटेक्टिव का काम करोगे। कार्लसन! मैं यहाँ हूँ सर। मैं तो समझा था कि मुझे यहाँ ऑफिस की ड्यूटी दी जाएगी, यहीं पर मेरा टेबल होगा, यहीं कहीं। मजाक कर रहे हो क्या? तुम जैसा अफसर ना, ना तुम्हें तो बाहर ड्यूटी करनी होगी। और हाँ सुनो, कार्लसन को एक तजुर्बेकार पार्टनर की जरूरत है, उसका अभी अभी प्रमोशन हुआ है। सर अभी एक अर्जेंट कॉल आया। कार्लसन मलोन हमारे साथ काम करेगा, तो इसे अपना डिपार्टमेंट दिखाओ। और कैसे? और सुनो, गिरफ्तारियां और हथकड़ी लगाने का काम इसे ही करने दो। अब आंख कर लूंगा। ठीक है, तब तक मैं ये पढ़ लेता हूँ। जी सर। ठीक है। हाँ ये सर, यहाँ कैदियों का पंचनामा बनाया जाता है, वहाँ FIR लिखे जाते हैं और उस तरफ जेल की कोठरियाँ हैं, आप देखना चाहेंगे? हर पुलिस थाना एक जैसा होता है। ओ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये यहाँ पर मेरा टेबल है। आओ, अच्छी लकड़ी है। शुक्रिया। और इस डिपार्टमेंट के बॉस बैठते हैं 5वीं मंजिल पर, चोरी डकैती का डिपार्टमेंट 3री मंजिल, और वहाँ लाशें रखी जाती है। सर सर, उन दरवाजों के पीछे बाथरूम है। हाँ देखा है। कार्लसन! जी सर। बाकी कल दिखा देना, ठीक है? ठीक है, आइए। कहाँ? अभी अभी फोन आया था ना, चोरी हुई, उसी की इंक्वायरी है। तो मतलब हम बाहर जा रहे हैं? हाँ, जुर्म तो बाहर ही होते हैं ना। नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ और ऐसा करना ठीक नहीं होगा, मुझे यहाँ अंदर काम करना चाहिए ताकि मैं जान सकूँ कि बाहर क्या काम करने वाले हैं ना, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। आप ये चोरी डकैती का केस कब से संभाल रहे हैं? चोरी डकैती जब से हुई संभाला। ओह, मैंने तो सुना है जाबाजी के लिए आपको 16 मेडल मिल चुके हैं। आपने तो वाकई कमाल कर दिया, 16 मेडल। अंकल लू को इतनी अच्छी फाइल बनाने की क्या जरूरत थी? हाँ। आप चाहे तो आगे बैठ सकते हैं। कितना बोलता है ये। यहाँ से बाहर निकलते वक्त बहुत ख्याल रखना पड़ता है, लोग कैसे भी चलते रहते हैं, पता नहीं कब कौन गाड़ी के नीचे आ जाए। इस तरफ से कोई आ तो नहीं रहा? हाँ, कोई नहीं आ रहा। चलो। हाँ हाँ, पता है मैं हाल ही में डिटेक्टिव बना हूँ। यकीन नहीं होता। हाँ, इससे पहले 3 साल में ट्रैफिक पुलिस में था, कोई झंझट नहीं थी, वाकई बड़ा मजा आता था। मेरे ख्याल में तुम्हें पीली बत्ती पर रुकने की जरूरत नहीं है, सीधे जा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं रोकता था। सर आपने मेरी तरह एक्सीडेंट्स देखे होते तो आप ऐसा नहीं कहते। मैं ऐसा नहीं करूंगा। लो चल गई हरी बत्ती। अब चलते हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर। आपने ये इम्तिहान कितनी बार दिया? कौन सा इम्तिहान? वही इम्तिहान डिटेक्टिव बनने का। हाँ, वो वाला, एक ही बार। वाकई? हाँ, फर्स्ट आ गया। क्या बात है। सब हैरान हो गए। कमाल है, मैंने तो इम्तिहान 5 बार दिया और मैंने पेपर्स भी अच्छी तरह से लिखे थे, पर पता नहीं क्या हो गया, शायद मुझे प्रैक्टिकल्स में थोड़े कम मार्क्स मिले और मैं किसी तरह। मुझे ये बताओ कि तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कितने इम्तिहान देने पड़े थे? क्या यार, वहां पहुंच जाने के बाद मुझे जगा देना। जी सर, माफ कीजिए। क्या पका रहा है यार। आपका सूट अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। ये सूट अच्छा लगा? फुटपाथ से खरीदा था। हाँ। रेडियो चलता है क्या जरा? हाँ लगाइए ना, जरूर, क्यों नहीं। नाचने का शौक है मुझे, लेकिन जरा धीरे, नहीं तो हमें वायरलेस की बातें सुनाई नहीं देगी। ओह अच्छा गाना है, मैंने इससे पहले कभी सुना नहीं था। धमाकेदार है ना। कल रात ये जगह पहियों से भरी हुई थी जो कल ही खरीदे थे, अब देखा तो गायब है। 3 दर्जन चमचमाते पहिए थे, समझे? कहीं वो चोर और सामान तो नहीं ले गए? नहीं, मेरा सबसे अच्छा सामान तो ले गए। जानते हैं वो कितना महंगा था? 50,000 का माल था। अलार्म नहीं बजा? बजा तो था,
लेकिन क्या फायदा, आप लोगों को यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लग गए। इस वक्त शायद वो लोग चोर बाजार में मेरे पहिए बेच रहे होंगे। आइए देखिए वो कहाँ से आए थे। ये देखिए, लगता है उन्होंने ये कांच तोड़कर हैंडल खोला और वो खिड़की से अंदर चले आए। ऐसे ही लगता है। साले, मेरा लाखों का नुकसान करके चले गए। कार्लसन, तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या? चोर वहां से अंदर नहीं आए। लेकिन वो यहीं से आए थे। मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ फ्रैंकी, वो वहां से नहीं आए, वो वहां ऊपर से आए हैं। अगर मैं होता तो मैं भी वहीं से आता। मेरा मतलब, अगर मैं चोर होता तो मैं ऊपर से आता और सीधे अंदर से अलार्म काट देता, ताकि मैं आराम से चोरी कर सकता। पर तुम आराम से चोरी क्यों करते? हाँ, मैं आराम से चोरी क्यों करता? भारी है ना। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें कितना वक्त लगेगा ऐसे 3 दर्जन पहिए यहाँ से बाहर ले जाने में और उन्हें ट्रक में रखने में? काफी वक्त लगेगा। बिल्कुल काफी वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। हाँ, पर शायद वो 3 या 4 साथी मिलकर ये काम करने आए होंगे। जिप, जिप, जिप लगा अपने मुंह को। फ्रैंक, चुप बैठो, मुझसे नाटक मत करना, मुझसे बिल्कुल झूठ मत बोल। ये क्या है मालूम है ना तुझे, मैं बहुत मारूंगा तुझे। अब मैं क्या कहूँ? देख मोटे, तेरा 50,000 का माल वो लोग चोर बाजार ले गए तो उनके हाथ मुश्किल से 20,000 रुपए आएंगे, जिसमें से ट्रक का किराया निकालने के बाद चारों के हाथ मुश्किल से कुछ बचेगा। और ट्रक किराए पर लेने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? काफी पैसों की, ड्राइविंग लाइसेंस की। हाँ, लेकिन अपना ट्रक हो तो बात बिल्कुल अलग है। उसकी इजाजत बगैर ट्रक की तलाशी हम नहीं ले सकते। क्या मतलब नहीं ले सकते, हम पुलिस वाले हैं। तो क्या हुआ, तलाशी के लिए वारंट की जरूरत होती है। हमें चाबी की भी जरूरत नहीं है। सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम बस चुप रहो और तमाशा देखो। ये देखा। वाह, ये रहा माल। काम के पहले दिन इतना बड़ा घोटाला पकड़ लिया, बोला ना मैं एकदम झकास डिटेक्टिव हूँ। अरे सामान तो यही है। देखिए, झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाना एक संगीन जुर्म है और मैं इसके लिए आप। अरे छोड़, इसे मैं देखता हूँ। क्यों वे मोटे, जरा साइड में आए। इधर तुझे खाना अच्छा लगता है? हाँ, वो तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अगर दोबारा तूने ऐसी कोई हरकत की ना तो तुझे ये खिलाऊंगा मैं। ये जानता क्या है, ये मेरा जूता है। ये कड़क जूता है ना, मैं तेरे थोपड़े पर छाप दूंगा हमेशा के लिए, अगर ऐसा दोबारा किया तो। बात जा रही है तेरी खोपड़ी में? हाँ हाँ, अच्छी तरह। अब जब भी तू आईने में अपना मनहूस थोपड़ा देखेगा, तुझे एक छाप दिखाई देगी जो तुझे मेरी याद दिलाएगी और मेरे पार्टनर की। अब बोल, छाप देखेगा तू? समझ गया, मुझे वो छाप देखने का कोई शौक नहीं है। और एक बात सुन, ये चिकन विकन खाना छोड़ दे, सब जगह से चर्बी बाहर निकल रही है। समझ रहा है ना तू? हाँ, समझ गया। और सुन, मेरे जूते का साइज हमेशा याद रखना, ये देख। चलिए, चल बे, चलना। सर, माना कि मैं इस काम में थोड़ा नया हूँ, पर अगर मैं गलत नहीं तो हमें इस गुनहगार को गिरफ्तार करना चाहिए ना? नहीं यार, अब देखना, ये हमारा काम करेगा। तो ऐसे होता है यहाँ काम, हमने आज एक छोटी मछली को छोड़ दिया ताकि कल हम एक बड़ी मछली को पकड़ सके। क्या आइडिया है, अच्छा है। अच्छा है ना। बुरा ना मानो तो मैं चलाऊं, मुझे एक शॉर्टकट मालूम है। हाँ, शौक से कसकर कुर्सी के पेटी बांध लेना। क्या गाड़ी ऐसे ही चलाते हैं सर? हाँ, गाड़ी हमेशा ऐसे चलनी चाहिए, पार्टनर, ऐसे चलनी चाहिए। कार्लसन, आखिरी बार तुमने ये कार तेज कब चलाई थी? गाड़ी छोड़िए, मैंने तो कभी साइकिल तेज नहीं चलाई सर। अगर जिंदगी की रफ्तार बढ़ाना चाहते हो तो तेजी से एक नया मोड़ लो। सर रुक जाइए, वहां देखिए सर, सर सामने। गाड़ी चलाना, जानते हो मेरा पहला पार्टनर मेरी गाड़ी चलाता था। कौन था आपका पार्टनर? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कोई वजह? देखो, तुम अभी तक बच्चे हो, समझे? हाँ। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। पर हमें एक साथ मिलकर काम करना है सर, एक दूसरे को समझना चाहिए, ये तो एक बंधन जैसा है। नहीं नहीं, ये कोई बंधन वंधन नहीं है। तो फिर आखिर क्या है ये? रात गई बात गई वाला रिश्ता है, खाया पिया और खिसक गए, समझे? तो ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है।
हमें सिर्फ गुनहगारों को पकड़ना है, उसके बाद तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना। क्या आप शादीशुदा है? नहीं। कोई गर्लफ्रेंड? अब नहीं रही। झगड़ा हुआ आपका? उसे मेरा काम पसंद नहीं था। ये बात है? अच्छा है। लगता है यहाँ पर कोई पानी का पाइप फट गया है सर। मैं देखता हूँ क्या है। पर कार्लसन, मुझे ऑफिस जाना, मेरे सर में दर्द। हम लोग ड्यूटी पर, आपको वापस जाने की जल्दी क्या है? नहीं, मुझे गोली खानी पड़ेगी, एक बहुत बड़ी गोली, जिससे सर भी साफ मैं भी साफ। हट जाइए, हट जाइए। आप जरा यहाँ आइए एक मिनट के लिए, जल्दी। अंकल, 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 एक मिनट के लिए आप यहीं पर रुकिए, यहीं पर रुकिए। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन डरिए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूँ ना। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, क्या चाहिए सर? गुड मॉर्निंग सर, दर्द की गोली कहाँ? उस तरफ पीछे सोडा मशीन के पास। शुक्रिया। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, आपने ऐसा परेशानी हो रही है, हमें जाना है। हट गया। एक हजार माल निकाल, गोली मत चलाना, जल्दी कर, जल्दी। अरे यार, ये जल्दी कर, नहीं तो इधर इस डालूंगा खर्चा वानी क्या। हट जाइए, जल्दी। देखिए, यहाँ लिंक रोड के कॉर्नर पर एक दुकान है, वहाँ पर गोलियां चल रही है, हमें मदद चाहिए, आप जल्दी कुछ कीजिए, हम लोग यहाँ पर रुके हैं, जल्दी। ले, ले। डिटेक्टिव मलोन, आप ठीक तो है ना? पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, पीछे। ये क्या हुआ बे? ये छुप क्यों गया? बारा आना, बारा हिलना मत। अपने दोनों हाथ फुटपाथ पर रखो। बोला ना, अपने दोनों हाथ फुटपाथ पर रखो। पर यहाँ फुटपाथ कहाँ है? अच्छा, तो फिर नूडल्स पर अपने हाथ रखो, नूडल्स पर हाथ रखो। चिकन या मसाला? चिकन, चिकन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे की तू है बे। अरे यार टली, टली, तू यहाँ क्या कर रहा है बे? अबे गधे की औलाद, ये बता पहले तू यहाँ क्या कर रहा है? गल्ले की सफाई करने आया था और क्या? डिटेक्टिव मलोन, मैं अंदर आ रहा हूँ। बंदूक नीचे फेंक दे, अपने बंदूक नीचे फेंक दे। डिटेक्टिव मलोन, अब कहाँ है? जाओ यहाँ से, पीछे से भाग, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, अबे जाना, पीछे से जाना। डिटेक्टिव जवाब दीजिए, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। अबे नहीं जाना, हिलना मत, गोली मत चलाना, रुको। कहाँ गया सर? आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मर गए, रखिए। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं, समझे? मैं अंधा नहीं हूँ। सर, वो उस कचरे के डिब्बे के पीछे और उसके पास एक बंदूक भी है। पीछे हट जाओ। खास शूटर्स को बुलाओ। जी सर। वो लोग इसे जरूर पकड़ लेंगे। हाँ। नहीं, उन्हें मत बुलाइए। क्यों ना बुलाएं उन्हें? माइल्स, अबे तू इधर क्या कर रहा है यार? वो किससे बात कर रहा है? मुझे क्या मालूम, वो नशे में सर, वो यूं ही बड़बड़ा रहा है, चर्सी ऐसे ही होते हैं। हाँ, चर्सी। हाँ। चुपचाप बंदूक फेंको, सामने आ जाओ। ये पकड़ो। मैं इसे देखता हूँ। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? माइल्स, तू यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले कि कोई जख्मी हो जाए, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये फुटिया से। चलो जल्दी से अपनी बंदूक नीचे फेंक दो, जिद नहीं करते। देखो, मुझे दुख हो रहा है कि तुम्हारे जैसा होना बच्चा ऐसा काम कर रहा है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं बाहर आ रहा हूँ। रुक जा तेरी, मेरी बात सुन, तू ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तिजोरी के पीछे मत पड़, काउंटर के पास जा, सीधा रोकड़ा उठा और चुपचाप यहाँ से नौ दो क्या रहो। तू मानेगा नहीं मेरी बात, मानेगा नहीं तू। ओह मलोन, बीच में खड़ा है, मैं चोर पर गोली भी नहीं चला सकता। ठीक कहा सर,
ऐसी जगह पर अकेले शान पट्टी मारने क्यों निकल पड़ता है तू? देख टंडी, तू मेरा ड्राइवर है और तू इतना काबिल भी नहीं है कि ऐसे ही सरेआम निकलकर किसी भी जगह पर चोरी करे। पर मुझे भी तो पैसे चाहिए, मेरा हिस्सा तो तुमसे भड़प गए और तू फुसफुसा क्यों रहा है बे? सभी यूनिट तैयार रहे, पीछे हट कर लू। तुमसे कह रहा हूँ। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम सर। देखो टली, मैं इन लोगों के बीच बड़ी मुश्किल से घुस पाया और तू मेरा बना बनाया काम क्यों बिगाड़ रहा है? समझ में नहीं आता यार, आप उनके भेजे में कुछ है ही कोई नहीं, अभी कोई बात नहीं। देखो देखो, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, वाकई नाराज नहीं हूँ, पर मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा और तुम्हें बंदूक मुझे देनी होगी ना टली। समझा कर मेरे दोस्त, कमाल कर रहा है। अच्छा मैं तुझे 10,000 दूंगा, तू जानता है मैं जबान का कितना पक्का हूँ। 50 से कम में तो नहीं भाई। टली 50 मांगता तो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, हद है। अच्छा ठीक है 20 दूंगा, समझा। और तुम्हें एक रात जेल में रहना होगा। देखो टली, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, पर मैं अपनी बंदूक नहीं दूंगा। तुम्हें गिरफ्तार करूंगा तो बंदूक तुम्हारे पास कैसे छोड़ सकता हूँ गधे की धौम? क्या यार, इतनी मुश्किल से तो ये बंदूक मिली है। हाँ माना मुश्किल से मिलती है, पर अब तुम ये बंदूक मुझे देनी पड़ेगी, समझे। तुम करना क्या चाहते हो टली? या तो तुम मुझे ये बंदूक दे दो, नहीं तो उन लोगों की 6-7 गोलियां डकारने के लिए तैयार हो जाओ। चलो वो बंदूक मुझे दे दो। नहीं, इतनी आसानी से मत दो मुझे, ये खुद मैं तुमसे लूंगा। वो लोग देख रहे हैं ना? देख रहे हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ी तकलीफ दूंगा। क्या? थोड़ी तकलीफ दूंगा, ज्यादा नहीं। ओह कमाल हो गया, यकीन नहीं हो रहा मुझे। अब याद रहे, अब तू मुझे बिल्कुल नहीं जानता। सच्ची नहीं जानता बे? अरे तू पहले तो ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कार्लसन ये लो मेरी जैकेट, और वो बाहर निकले और कहने लगे मुझे एक करना है। हमने कहा आप ये क्या कर रहे हैं सर, तो फिर कहने लगे पीछे हटो, और सीधे चलते उस चोर के पास गए और उससे बातें करने लगे, और देखते ही देखते उन्होंने उस चोर की जवाब छीन ली और एक घूसा मार से वहीं पर गिरा दिया। सचमुच अगर आप लोग वहां पर होते ना तो देखते ही रह जाते। मलोन, ये तो कमाल हो गया यार। मलोन मेरे ऑफिस में आओ इसी वक्त। नहीं तुम नहीं कार्लसन, मैं तुम्हारी फाइल पढ़ रहा था। तुम्हारा कभी नाम नहीं सुना मलोन? मैं अपने विभाग के लिए खुफिया काम करता था। हमारे चोरी डकैती डिपार्टमेंट को एक नए अफसर की जरूरत थी, है ना? बिल्कुल सही कहा। इसमें कोई शक नहीं, जब से हमारे चीफ डिटेक्टिव की मौत हुई है हमारा ये डिपार्टमेंट थोड़ा कमजोर सा हो गया है। अक्सर हम डिपार्टमेंट के ही किसी अफसर को तरक्की देते हैं, पर तुम्हारी काबिलियत देखकर हम ये नियम तोड़ रहे हैं। तो तरक्की चाहिए तो समझा मिल गई। क्या कहा आपने? आज से तुम हमारे नए चीफ डिटेक्टिव, चोरी डकैती संभालोगे। मैं? और हाँ, नियम के मुताबिक चीफ डिटेक्टिव बनने के लिए यहाँ पर 30 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन तुम्हारा तजुर्बा देखकर मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। अब ऐसे खामोश रहोगे या कुछ कहोगे? शुक्रिया। पार्टी करें? क्या हो रहा है, ये कोई स्कूल है क्या? ठीक है सुनिए आप लोग, आज के बाद डिटेक्टिव मलोन चोरी डकैती डिपार्टमेंट में चीफ डिटेक्टिव का काम संभालेंगे। ये फाइल चेक करो। जी सर। शुक्रिया। कार्लसन, कार्लसन, मुझे अब जरा बाहर जाना है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ठीक है, और ये दे दो। बॉस ने मुझे ये चेक करने के लिए कहा है। ठीक है ले जाइए सर, सॉरी। बेकार। देखो इस वक्त मैं बिजी हूं। मलोन क्या है? हाँ, क्या है? तू अब काम का सिलसिला कैसे रहेगा?
ना काम का सिलसिला मतलब मैं समझा नहीं काम। अरे भाई शिफ्ट। ओ देखो हार्ड कैसल काम के पहले दिन में ये सब कैसे बता सकता हूँ हैं? ना मैं देख रहा हूँ ये दीवार लीकेज से खराब है, क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पानी की एक पाइप फट गई थी जिससे चारों तरफ पानी भर गया था। वाकई? वहाँ से पानी निकालते निकालते तो हमारी नाक में दम हो गया। ये जरूर वही ऑफिसर है जिसकी सब चर्चा कर रहे हैं। कैप्टन पिनेली, ये है डिटेक्टिव मलोन, मलोन ये है पिनेली। तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। आप जैसी हस्तियां रोज रोज थोड़ी ना मिलती है, मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ सो तो है। क्या? रेस्टोरेंट बंद हो गया है, कहा ना बंद हो गया है, मुझे ताला लगाना चाहिए था। कहो कैसे? मैं माइल्स से मिलना चाहता हूँ। उसका पता नहीं मालूम मुझे। उसकी माँ ने एक संदेश भेजा है जो उसे बताना है। हाँ लेकिन मुझे उसका पता नहीं मालूम। आवाज नहीं। क्या बात है, कमाल का जाली कार्ड बनाया। जवाब नहीं। सब लोग गौर से सुनिए, हमें खबर मिली है कि मशहूर स्मगलर जॉन लो फ्लोर बड़े तादाद में ड्रग्स ला रहा है शहर में। दूसरे शहरों में भी उसकी दाल नहीं गली। सैन डिएगो की पुलिस ने भी कड़ी नाकाबंदी कर रखी थी, इसलिए वो वहां भी अपना माल नहीं उतार पाया। ये है मलोन, डिटेक्टिव मलोन का अभी अभी यहाँ तबादला हुआ है। ये चीफ डिटेक्टिव है चोरी डकैती डिपार्टमेंट के। डिटेक्टिव, हमें अपने प्लान के बारे में कुछ बताइए। वाह, मेरा प्लान यह है कि हमें जुर्म से लड़ना है। कुछ इस तरह का है। कमाल का प्लान है, वाह। आप में से कोई सवाल पूछना चाहेगा डिटेक्टिव मलोन से? हाँ मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। P-31 के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? वो घटिया बंदूक है डियाज। सर मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सब P-31 बंदूक से काफी परेशान है। क्यों? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि हमारे नए डिटेक्टिव इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अरे मुझे क्या मालूम, इसका नाम क्या? डियाज है ना? डियाज। हाँ सर। सर तुम्हारा क्या ख्याल है इस बंदूक के बारे में? डियाज उसे तो कूड़े में फेंक देना चाहिए। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इस बंदूक को कूड़े में फेंकना चाहिए? लो फैसला हो गया, फेंक दीजिए। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको वो कचरा पसंद नहीं है। लीजिए गई बाहर, P-31 कबाड़ा हो गया, मर गई, चली गई। अगर आप लोगों को जिंदगी में कुछ करना है तो बड़े फैसले यू फटाफट करना सीखो भाई लोग। चलता हूँ। ये है मेरे पार्टनर। अच्छा? हाँ डिटेक्टिव। आप क्या है? हम ज्यादा पसंद करेंगे P-40 को। हाँ P-40 अच्छी बंदूक है। P-40 ही लाएंगे। क्या कह रहा है ये आदमी? अचानक सब कुछ कैसे हो पाएगा? कोई बात नहीं, हमारे डिपार्टमेंट को इसी जोश की जरूरत है। क्या कचरा खाते पुलिस वाले? मलोन, उल्लू का पट्टा टली तुमसे बात करने की जिद कर रहा है, वो पूछताछ वाले कमरे में है। ठीक है, अभी जाता हूँ, देखिए क्या कहता है।
उधर नहीं कमरा इधर है। हाँ जानता हूँ, कुछ ज्यादा तो नहीं बक रहा है? हाँ कह रहा था वो एक दूसरी चोरी के बारे में कुछ बताना चाहता है, पर उसी से बात करेगा जिसने उसे गिरफ्तार किया। ठीक है मैं आ गया हूँ, मैं उससे बात करता हूँ लेकिन अकेले में। हाँ हम वहाँ से देखेंगे। ठीक है। क्या हो रहा है भैया? हाँ तूने तो कहा था कि जेल में एक रात काट तूने तो कहा था कि जेल में सिर्फ एक रात काटनी होगी। अभी तो एक ही रात हुई है। वो मेरे 50,000 का है। 50? मैंने कहा था 20 दूंगा, लेकिन अब मैं 50 ही लूंगा क्योंकि अब तक। डिटेक्टिव, मैं मिस्टर टली की वकील। ठीक है, वो रहा टली। माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं? क्या हो क्या रहा है? ये कौन है? इन्हें रोकना होगा। छोड़ दीजिए मेरे मुवक्किल को। कोई फायदा नहीं, ये कुछ नहीं बोल। वो इसलिए कि आपने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ है। हाँ मेरे ख्याल से इसकी एक दिन के लिए काफी धुलाई हुई है। रुको एक सेकेंड, इसने कहा ये डकैती के बारे में कुछ जानता है। सच सच बताओ इस डकैती के बारे में क्या जानते हो तुम? मैं सब कुछ सच ही तो बता रहा हूँ। ये जो साला लोगन है वो मेरे पूरे 50,000 खा गया है, और अगर वो पैसे मुझे जल्दी ना मिले तो मैं सब कुछ मांग दूंगा। ठीक है, कौन है जी लोगन, उसके बारे में क्या जानते हो? ओ, उसके बारे में इतना कह सकता हूँ कि वो लुच्चा है, चोर है, डकैत है। इससे मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। खबरदार, जो आगे बढ़े चलो मेरे साथ, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसने मुझे बहुत मारा, इसने मुझे यहाँ मारा। अगली बार उसे जूते से मारना। और उसने मेरे जूते के फीते भी चुरा लिए। ये मुझ पे कार्रवाई करेगी? ऐसे वकील मैंने बहुत देखे यार। मलोन। ओ हाँ बोलो, क्या बात है? कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारे लिए एक आदमी का फोन आया था। कौन था वो? उसने कहा कि वो तुम्हारा पुराना साथी है, और कहा जो तुम ढूंढ रहे हो उम्मीद है वो चीज मिल गई होगी, वरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अब तुम ही जानो इसका क्या मतलब है। साला टीकन। हीटर्स के पीछे पड़ा रहता है सर। कार्लसन, बहुत सर्दी लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही? खैर क्या काम है कहो। अब बात यह है कि आज मैं कंप्यूटर में आपका रिकॉर्ड ढूंढ रहा था, वहां मलोन नाम का कोई मिला नहीं अब तक। और तो ये बात है, वो इसलिए कि मैंने अपना नाम थोड़ा अदल बदल कर दिया था, थोड़ा थोड़ा हट कर लिख दिया था। सर आपका तो बैच नंबर भी कहीं नहीं है। हाँ कार्लसन जरा यहाँ आओ। देखिए तुम्हें वही तो बताने जा रहा हूँ मैं। क्या है? अब देखो, जो मैं बताने जा रहा हूं वो एक राज की बात है, अगर किसी को बताया तो सीधे जासूस से पांडू हवलदार बन जाओगे। मैं वो काम भी कर चुका हूं। वो काम कर चुका है ना? जानते हो ना उस काम में कितनी तकलीफें होती हैं? जी सर। अच्छा सुनो, यहां पर कई बेईमान अफसर हैं। सुनो, मेरा कहीं से तबादला नहीं हुआ है, मैं इसी शहर का खास सरकारी अफसर हूं। क्या बात कर रहे सर? आहिस्ता, ये जगह भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है। लेकिन मैंने ये सब गौर क्यों नहीं किया? अबे तो अंधा है ना, इसीलिए। ऐसा ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर कोई बेईमान है। तुम यकीन कर लो मेरे भाई, यहाँ ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे कि क्या कहूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। देखो मैं एक काबिल अफसर हूँ, उन्होंने कहा वहाँ जाओ, तहकीकात करो, सबका भांडा फोड़ डालो, जो करना पड़े करो, दूसरा काबिल अफसर ढूंढो, और दोनों काबिल अफसर मिलकर इस घोटाले का पर्दाफाश करो, गिरफ्तार कर लो उन्हें। इसी काम के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं समझ गया, पर क्या सिर्फ हम दोनों इस बारे में जानते हैं? हद हो गई, हम किस नर्क में फंसे हुए हैं अब। देखो तुम एक बहुत अच्छे पुलिस वाले हो कार्लसन। जी सर। पर ये राज जानकर तुमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोल ली। ठीक है सर, तो बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हारे लिए हुक्म ये है,
अपनी आंखें खुली रखो जैसे हमें यहाँ लोगों पर नजर रखनी है। हाँ। समझे, हम साथ हैं, हम मिलकर लड़ेंगे। ठीक है सर, समझे। मैं चलता हूँ। वहां से नहीं, वहां नहीं, पीछे से, पीछे से जाओ। ठीक है। शुक्र। इस कमरे के ऊपर होगा। हाँ। मलोन। ओह, तुम यहाँ हो। अभी अभी फोन आया है। एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। आप लोग चलिए, मैं बाद में आता हूँ। बाद में आता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? किसी ने कस्टम से म्यूजियम की कीमती चीज चुरा ली। तो आप ये मेरे सर क्यों मार रहे हो? तुम चीफ डिटेक्टिव हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त वहाँ पहुँच जाओ। वहाँ पर FBI पुलिस और कस्टम्स वाले इस केस पर काम कर रहे हैं। यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, FBI वाले भरे हुए हैं। ये क्या बदतमीजी है? इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। इन बक्सों में मिस्र के पुराने मंदिर के हिस्से थे। माफ कीजिए, ये मुझे दिखाइए। बाद में बात करता हूँ। बाप रे, कौन हो तुम? मलोन, पुलिस डिपार्टमेंट से। एजेंट ग्रे, FBI। हमारा काम हो जाए तब आप लोग अंदर आइएगा। ठीक है ठीक है, चिल्लाता क्यों मैं? जरा देखिए तो ये सब क्या यार, वो चोर थे या ढक्कन सब तोड़ दिया और कुछ लेकर भी नहीं गए। हाँ? गौर से सुनिए ऑफिसर मलोन। डिटेक्टिव कहिए। मेरे पास आपका औहदा जानने का वक्त नहीं है। आप जो कर रहे हैं ना, आपको उसकी समझ है और ना ही काबिलियत। ओ, हमें काम की समझ नहीं है और आपको काम की समझ है। ये सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। तुम्हारा दिमाग सड़ गया है। देखिए, आप FBI के काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं ऑफिसर। अगर आप लोगों को अपनी काबिलियत का डंका बजाने का इतना ही शौक है तो इस दायरे से बाहर जाकर बजाइए। कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, सही कहा। और मेहरबानी करके अपने आदमियों से कहें कि यहां किसी चीज को हाथ ना लगाएं। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। चलिए। तुम्हारा दिमाग सड़ गया है, कमाल हो गया। यकीन नहीं होता आपने उसे ये कहा। साला मुझे कहता है ऑफिसर। मैं इतना बड़ा डिटेक्टिव हूं, 16 मेडल मिले हैं मुझे। तुम्हारे ख्याल से ये सब ऐसे मिल जाता है? अब जाने भी दो, ये सब FBI वाले ऐसे ही नकचड़े होते हैं। इनकी नजरों में हम लोगों की कोई औकात नहीं है। गोली मारो उन्हें, उनकी आदत है पुलिस को बेवजह परेशान करना। वो चोर मूर्तियां चुराने नहीं आए थे, वो नशीली दवाइयां चुराने आए थे। नशीली दवाइयां? हाँ, नशीली दवाइयां। ये भाई लोगों की पुरानी चाल है, माल की स्मगलिंग करो और इससे पहले कि वो कस्टम तक पहुंचे चुरा लो। क्या समझे, वो उल्लू बनाते हैं सबको, पुलिस को भी। इस पेशे के बड़े भाई लोग ऐसा ही करते हैं। उन्हें सिर्फ एक ट्रक ढूंढना होता है जिस पर बी लिखा होता है। इस बी का क्या मतलब हुआ? बिना चेकिंग। हाँ। बी वाला ट्रक सीधा एयरपोर्ट से गोदाम में चला जाता है। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, ये सब बातें तुम कैसे जानते हो? थोड़े दिन काम किया था कस्टम के गोदाम में। अच्छा ठीक है, फिर तो इंतजार किस बात का? हमें इसी वक्त कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपने हवाई दल को फौरन खबर करो। हेडक्वार्टर्स, मैं डिटेक्टिव कार्लसन बोल रहा हूँ। इसी वक्त हवाई दल के पायलट से हमारा संपर्क करवाइए। कार्लसन, हमें एक सफेद रंग का ट्रक दिखाई दे रहा है जिस पर B96 लिखा है। वो दक्षिण की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है। समझ गए, हम ट्रक के काफी करीब हैं। लगता है आज तुम जल्दी में हो। हाँ, आप ही ने तो कहा था हमें जिंदगी में कुछ करने के लिए रफ्तार तेज करनी चाहिए। लो, पहुंच गए। उसे गौर से देखना जरा। जी हाँ सर, वो 5'6" का कद है, तेल से लथपथ बाल है और वो भी बिखरे। अरे यार, हाथ कर रहा है तू? हजामे या डिटेक्टिव है? कैदी वैसा निशान बनाते हैं,
ड्राइवर जेल की हवा खा चुका है। हेडक्वार्टर्स, हमारी मदद के लिए और आदमी भेजिए। मैं एजेंट ग्रे बोल रहा हूँ, बाज आ जाइए और इस केस में दखलंदाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, समझ गए ना आप लोग? क्या बदतमीजी है इनकी, तो ऐसी की तैसी। चलो चलो पकड़ो इन्हें, चलो जल्दी। चलो दरवाजा खोलो। क्यों रुक गई यार? बंदूकें फेंक दो, हिलना मत, फेंक दो बंदूकें, हिलो मत, वहीं रहो, बंदूकें फेंक दो। बोलो ड्राइवर को पकड़ो। अबे रुक, अबे कहाँ जा रहा है? मैं आ रहा हूँ। अबे रुक, जल्दी से बाहर निकल आओ वरना मारे जाओगे। अबे रुक, ये क्यों बेकार में मुझे भगा रहा है? अबे रुक ना, वी डोंट स्टॉप, अब किधर गया? अब किधर गली में घुस रहा है? अबे रुक जा, जितना दौड़ेगा उतना ज्यादा मार खाएगा तू। रुक जा, अबे किसके घर में घुस रहा है? घबराइए नहीं, डरना मत, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ। क्यों बे, मुझे पकड़ा पकड़ खिला रहा था? गलती हो गई। हाँ, मुझे थकना अच्छा नहीं लगता, और जब मैं थकता हूँ तब मैं सामने वाले को कुत्ते की तरह मारता हूँ, और अब मैं तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा। उठ जा बे। मारना मत। क्या बात है, हमारा शक सही निकला। किस लिए? उसकी जांच करते वक्त शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। सबसे पहले तुम उन लोगों से पूछताछ करो, पता करो कि वो लोग माल को कहां ले जा रहे थे। फिर जब वो ये सब बता दें तो शौक से इस माल की जांच पड़ताल करते रहना। पर सर, आप समझ नहीं रहे हैं, अगर कोई सुराग हाथ लग गया तो पूछताछ के दौरान हम उनके पूरे गैंग के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जोरदार तालियां डिटेक्टिव मलोन के लिए। सर, मुझे आप वहां जाने मुझे वकील चाहिए। तुम पुलिस वाले हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करते हो। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, इतना जान ले तू। कौन हो तुम? इसका जवाब नहीं, मैंने मलोन की फाइल देखी, इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। तो आप जानते हैं? क्या जानता हूँ? कि वो एक खास सरकारी अफसर है। क्या बात करते हो, वो कोई अफसर नहीं है। वो नहीं है? नहीं, वो FBI वाला है। पर वो तो नफरत करते हैं FBI से। वो सब दिखावा है। तुम्हें क्या लगता है ये सब एक इत्तेफाक था? वो इस माल के बारे में पहले से जानता था, FBI वालों ने उसे हमारे बीच भेजा ताकि वो उनके ढंग से ही काम करे। उन्हें डर था केस बिगाड़ ना दे हम। बहुत चालाक समझते हैं अपने पुलिस में जुर्म उगलवाने का तरीका ऐसा नहीं है। नहीं, ये सब तो पुराने पैतरे हैं। सर तोड़ना है क्या मेरा? ऐसा सिर्फ FBI में होता है। हाँ, और लगता है ये उन्हीं का ट्रेनिंग है। चलो इसकी थोड़ी मदद करें। देखो तो क्या लाजवाब हीरा है, आखिर मिल गया। तुम इसके ऊपर क्यों बैठे हो? मैं इतना खुश हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा इस माल पर यूं ही बैठा रहूं। ये भूत सर से उतारो, ये ड्रग्स यहाँ से ले जा रहे हैं।
पर क्यों? क्योंकि FBI वाले इसी वक्त इसे ले जाना चाहते हैं प्रयोगशाला में। ले जाओ सब। पर मलोन चलो यहाँ से, बहुत काम है, जल्दी चलो। कैसे हो मलोन? वो सारा का सारा ड्रग्स जान ला फ्लोर का है। हम पिछले 5 सालों से उसे पकड़ने की कोशिश में, और वो अमेरिका और मेक्सिको के बीच अपना अड्डा बदलता रहता है। हम ये माल जांच के लिए ले जा रहे हैं। शायद ऐसा करना ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं? क्यों ना हम ये माल अपने पास ही रखें? लाफ्लोर नहीं जानता कि ये हमारे पास है, उसे पकड़ने के लिए इसे इस्तेमाल करें। तुम्हारा मतलब इसे चारा बनाए? सही कहा, चारा। देखो, लाफ्लोर के प्लान के मुताबिक 3 घंटे में ये माल सैन डियागो पहुंचना चाहिए। अब इतने कम समय में उसे पकड़ने के लिए तुम कौन सा जाल बिछाओगे? उस ड्राइवर ने मुझे बताया था कि ट्रक का एक आदमी नया है, उसके बदले में हम अपना आदमी भेज सकते हैं, और जब लाफ्लोर माल लेने आए तो उसे पकड़ सकते हैं। पकड़ लो रंगे हाथ। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इस माल के जरिए उस खतरनाक स्मगलर को पकड़ोगे जिसका नाम सुनते ही लोग दहशत से कांपने लगते हैं और जिसके पीछे कई मुल्कों की पुलिस है? अरे नहीं, इस काम के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए मलोन? मुझे और क्या, तुम्हारे अलावा ये काम और कौन करेगा? FBI वाले और हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं उस मुजरिम को पकड़ने में। आप बहुत ही बहादुर हैं डिटेक्टिव मलोन, खड़े क्यों हैं? चलिए, वक्त बहुत कम है, आइए। करोगे मलोन, बहुत तरक्की करोगे। मैंने तो सिर्फ एक सुझाव दिया था, हमारे डिपार्टमेंट को तुम जैसे लोगों की जरूरत है मलोन। रास्ता साफ है, चलो जल्दी जल्दी। नहीं रुक, एक मिनट, इससे पहले कि हमें कोई देख ले तुम जाओ यहां से, जाओ ना। अगर वो हीरा यहाँ नहीं होता तो तू भी अब तक यहाँ नहीं होता। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अरे कुछ नहीं है मेरे पास, तो तुम्हें क्या दूँ? हीरा तो मिलने दे मुझे। तो लेकर आ, मैं रुकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर पहले मुझे उस खतरनाक मुजरिम को पकड़ना होगा। तू एक नंबर का धोखेबाज है। मैं तुझे क्यों धोखा देने लगा? चला जा यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें कल अंकल लू के घर में मिलूंगा। बात तो सुन तू, निकल, चले जाओ। मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है, लेकिन तू ठीक नहीं कर रहा। ए, मेरी बंदूक तो दे। आए, देखो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ठीक होगा। सर ये कमाल का आइडिया है, आप कामयाब होंगे। नहीं नहीं, लाफ्लोर को इसका अंदाजा हो जाएगा। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं डिटेक्टिव। ओह, अब मैं डिटेक्टिव हो गया। डिटेक्टिव जरा कुछ बोलिए प्लीज। याद रहे डिटेक्टिव, अब जरूरी ये है कि वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें महसूस होना चाहिए कि आप उन्हीं की तरह एक मुजरिम है। इसलिए ख्याल रखना कि आपके हाव भाव, आपकी बोलचाल और आपका पूरा रवैया मुजरिमों जैसा होना चाहिए, ताकि उन्हें आप पर कोई शक ना हो और ये ना लगे कि आप पुलिस के आदमी हैं। ठीक है, मुझे हर तरह से उनकी नकल करनी होगी, है ना? बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्योंकि आपको देखना है, चलना है और सोचना भी है एक मुजरिम की तरह, और आपको बात करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर मुजरिम गाली गलौज के बगैर बात ही नहीं करते, खासतौर पर जब जिक्र हो रहा हो पुलिस या हम जैसे सरकारी अफसरों का। ओ, आपका मतलब बकवास बंद करो, तुम सफिरे FBI, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक की औलाद, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम साले हराम। शट अप। ठीक है, सब गौर से सुनिए, लफ्लर एक खतरनाक कातिल है, अगर उसे जरा भी शक हो गया तो मलोन का वहां से बचकर निकलना। जरा संभाल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगा। गौर से सुनिए, अगर उसे जरा भी शक हो गया, कार्लसन, मान लो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो भूल जाना मैंने तुमसे जो कुछ कहा था। आपका मतलब वो सीक्रेट एजेंट वाली बात? नहीं कार्लसन, मेरा मतलब सारी बातें। डिटेक्टिव ट्रक में बैठो। ठीक है, ओके, गुड लक। कार्लसन, याद रखना वो सारी बातें भूल जाना। बैठो सब लोग। डिटेक्टिव, अगर आपके साथ रहते हुए मेरे मुवक्किल पर जरा सी भी खरोच आई तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और बाकी दिन जेल में गुजारने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए ना? तुम मुझे छू नहीं सकते। डिटेक्टिव, उसे कुछ नहीं होगा वकील साहिबा। मलोन, अपने काम में ध्यान दो। चलो सामने देखो। कनेक्शन हो गया सर। ठीक है, चलो टीवी ऑन करो। एक बात अच्छी तरह समझ लो, ट्रक के इस तरफ मैं रहूंगा और ट्रक के उस तरफ तुम अपनी तरफ रहना और मैं अपनी तरफ रहूंगा। ठीक है दोस्तों, हमें बातें कम, काम ज्यादा करना है। ए, आपको हमारा चेहरा पसंद नहीं तो दूसरा चैनल देखो। लेकिन आप इस चैनल पर बातचीत मत कीजिए। कहां से उठा ला इस जोकर? ऐसा ही है मलोन।
इतने शोर में मैं नहीं चला सकता। ये चला। वो लोग सैन डिएगो में दाखिल हो रहे हैं। ध्यान से सुनो, एजेंट ग्रे बोल रहा हूँ। आहिस्ता चलाइए और ट्रक पर नजर रखिए। हम मंजिल की ओर पहुँचने वाले हैं। आप लोग हाईवे से जाइए और हम शहर के अंदर से जाते हैं। मलोन का ट्रक 3 नंबर गोदाम में है। कैमरा टीम करीब से दिखाइए। लो यही जगह है। तुम्हें यकीन है? हाँ, गोदाम नंबर 3। ठीक है बनी, ऐसे ही बैठे रहो और अपना थोबड़ा बंद रखो। हाँ हाँ, अबे जान अपना काम करना। अब ये मलून क्या कर रहा है? कहाँ है, कहाँ? वो लोग आ रहे हैं। वो बिल्कुल तुम्हारे पीछे। जल्दी करो, लाफ लेयर आ रहा है। आया आया। यही तो है जिसे हम ढूंढ रहे थे। मिल गया, मिल गया। हाँ ठीक है, मिल गया। अब पूरा 500 किलो का ड्रग है। अबे क्या बात कर रहे हैं यार, अब चल निकल यहाँ से, क्योंकि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तुम्हें सिग्नल मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, वो वही है लेकिन लाइन क्लियर नहीं है। पर कुछ कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? अभी हम यहाँ से नहीं निकल सकते, हमारे चारों तरफ पुलिस है। तो तू भी तो पुलिस वाला है? नहीं नहीं नहीं, फिलहाल मैं ड्रग्स का धंधा कर रहा हूँ। पागल, तेरी याददाश्त को क्या हुआ? हीरो का चोर है तू। अबे क्या मैं ड्रग्स का धंधा कर रहा हूँ? अरे यार तू ये गोबर क्यों बेच रहा है जब तेरे हाथ में इतना बड़ा हीरा है? अपने पुराने साथी को भूल गए माइल्स? ये कहाँ से आ गया? एक तरफ हो जाओ। ये क्या नौटंकी चल रही है अंदर? जरा देखो तो तुम्हारे हाथ में क्या है। दे दो मुझे। है ना खूबसूरत? अलविदा। अच्छा चाले की जल्दी क्या है साले का दार। माइक बंद हो गया। तुझे मारने में और भी मजा आएगा, एडी से भी ज्यादा। जाने दे डीकन। चुप साले। ये सब कौन कर रहा है? कसम से मैं नहीं जानता। वो मुझे उल्टी आ रही है। क्या हो रहा है? तैयार हो जाएं सब लोग। अरे बाप रे! ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, बताओ मुझे। मुझे तो कभी कुछ नहीं पता होता। इस तरफ उतारो, इस तरफ। चलो दरवाजा खोलो जल्दी। देखो कौन है, जल्दी खोलो। उतरो नीचे, चलो निकलो बाहर। चलो हटो, पीछे हटो तुम लोग। उतर, उतरो नीचे, निकलो बाहर, निकलो। चल चले। मैंने, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, बस आने में थोड़ा वक्त लग गया। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? हाथ हड़ा। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। कौन है ये दोनों, कौन लेके आए? मैं लाया, आपने कहा था कुछ नए लोग चाहिए इसलिए। नहीं, हमें मिलवाओ यार। कैसे हो भाई? मैं पीटर, आपके बारे में बहुत सॉलिड सुना है फ्लेवर भाई। और ये नमूना कौन है? इससे पंगा मत लेना भाई, ये बहुत ही खतरनाक कातिल है। इससे पंगा लेना मतलब अपनी जान गंवाना, एकदम डेंजर आदमी है। बहुत बेरहम है। एक बार तो उसने एक आदमी के मुंह में हाथ डाला और उसकी अंतड़ियां निकाल डाली और बाद में उसकी आंखें निकल आई। ए जरा भाई को आइटम करके दिखा। हाँ? वो अंतड़ी और आंखें वाला दिखाता हूँ। वैसे ही आंखें निकल आई और टप करके गिर गया। अपन बहुत डेंजर है बॉस, आप उनका खोपड़ी फिर गया ना तो समझो खोपड़ी के बाल नोच के पीछे लंबी पूंछ की तरह लगा देगा। ऐसा कर सकता है वो? बिल्कुल कर सकता है, और ज्यादा बोलेगा तो तेरी जुबान खींच के उसकी भी पूंछ बना सकता हूँ। बकवास बंद, तलाशी लो इसकी।
फ्रांसवा तुम तलाशी लो। गुदगुदी हो रही है, उन्हें शक हो गया, हमला करते हैं। रुको, ये उसके प्लान का एक हिस्सा होगा। मलोन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। क्या प्लान? वो अकेला न्यथा इतने खतरनाक लोगों के बीच में। भरोसा रखो, काश तुम मलोन की काबिलियत जानते। ऐसे हालात से निपटना उसके बाएं हाथ का खेल है। मानना पड़ेगा पीटर, तुम लगते मुजरिम हो, बातें भी मुजरिमों सी करते हो, फिर भी तुमसे पुलिस की बू आती है। देखा ना, देखा ना, मैंने कहा था हम लोग पकड़े जाएंगे। चुप रहो भाई, आप इसकी बातों में मत आइए। चुप रहो, छोड़ देंगे, समझा तू? देखो, मैंने कहा था ना चुप रह जाओ। भाई ये झूठ बोल रहा है। अगर मैं पुलिस वाला होता तो क्या मैं इसकी नाक तोड़ता? देखो इसकी हालत, देखो इसके नाक से खून। इसे गाड़ी में बंद कर दो। ले जाओ इस नाली के कीड़े को, बंद कर दो गाड़ी में। और चुप रहो। अब तुम बताओ कि सच क्या है। ये पुलिस का आदमी है, इसी ने ट्रक को चुराया, ये इनकी चाल है। भाई जरा सोचिए, अगर मैं पुलिस वाला होता तो इस वक्त एफबीआई वाले यहां होते और तुम सब लोग जेल में होते। कौन क्या है अभी पता चल जाएगा। फ्रांसवा, भाई ये क्या कर रहे, इसकी क्या जरूरत है? साबित करोगे तुम पुलिस वाले नहीं हो? अब हाँ बिल्कुल साबित करूंगा। वो झूठा है ना? हाँ हाँ वो झूठा है। तो उड़ा दो उसे, उड़ा दो उसे। अभी उड़ा था बॉस, तेरी तो साले, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसे जान से मारने को कहा था। भाई आप ही ने तो सिर्फ कहा था कि उसे गोली मारो। देखो तुम साबित करना चाहते हो ना कि तुम पुलिस वाले नहीं हो। हाँ उसे खत्म कर दो। वो लुढ़क गया तो वापस नहीं आने वाला। बहुत हो गया, हम वहां जा रहे हैं। चलो हमला शुरू करो फौरन। चलो चलो। मेरा निशाना नहीं चुकेगा। तुम मुझे नहीं मार सकते माइस। खबरदार, अपने दोनों हाथ ऊपर करो, हिलना मत। क्या निशाना है? बाहर निकल, गाड़ी से निकल, चल। याद रहे, हम अपराधी का पीछा कर सकते हैं सिर्फ अपनी सीमा तक। इसलिए सीमा के उस पार मैक्स को बना जाए। अपराधी दक्षिण की ओर जा रहा है। गाड़ी में हमारा एक ऑफिसर है, ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, गाड़ी में एक ऑफिसर भी है। ओवर। पकड़े रखो। ठीक है। और।
शुक्र आप लोग पहुंच तो गए। आप सोच क्या रहे, उसे पकड़ो। हम नहीं जा सकते मलोन, हमें वहां जाने का अधिकार नहीं है। अधिकार अधिकार तेल लगेगा, जाइए पकड़ो उसे। नहीं, हम नहीं दाखिल हो सकते मैक्सिको में मलोन। नहीं हो सकते? नहीं, नहीं हो सकते। नहीं तो मैं जाऊंगा। मलोन, मलोन देखते जाइए। मलोन, मैं चला। एक बची है। आजा बच्चे। हथियार फेंक दो डेकन। खुद को वाकई पुलिस वाला समझने लगे हो क्या? उनके आने से पहले तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। तुम करोगे? हाँ। उनके आने से पहले मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूँ तो? नहीं, जो मैं कहता हूँ सुनो। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, उसके बाद वो तुम्हारी हड्डियों की खिचड़ी बना देंगे। वो दोनों अब क्या बातें कर रहे हैं? मलोन अपनी बात मनवाने में माहिर है। वो वाकई माहिर है सर। सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो मेक्सिको की जेल में सड़ते रहो या अमरीकी जेल के दामाद बन जाओ। कहो क्या करना है? नहीं, एक तीसरा रास्ता भी है। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। तुम अपना मुंह बंद रखोगे क्योंकि उस हीरे में से हिस्सा चाहिए तुम्हें। क्या हिस्सा? अरे वो नायाब हीरा तो मेरे पास है। वो हीरा मुझे तुम्हें देना होगा, सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। ठीक, बंदूक मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम मेक्सिको की जेल में नहीं जाना चाहते। कोई भी मेक्सिको की जेल में नहीं जाना चाहता। वहाँ कैदियों को उल्टा लटका कर अच्छी खातिरदारी करते हैं। चुप रहो, पागल मत बनो। डीक, बंदूक मुझे दो, जल्दी करो। डीक, उन्हें लग रहा है कि मैं पुलिस वाला हूँ और ये मौका मैं अपने हाथ से जान ही नहीं देना चाहता। यार, तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूँ। क्या तुम यहाँ मरना नहीं चाहोगे? है ना, तो अब हार मान लो फौरन। तुमने मुझे धोखा दिया, कसम से मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसका बदला जरूर लूंगा मैं तुमसे। बंदूक मुझे दो। आहिस्ता डीक, आहिस्ता, इससे तुम्हें खतरा होगा, इसे छोड़ दो। शाबाश, अच्छे चोर हो। अब डीक, तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी। क्या आदमी है ये? एडी को मारने की सजा है, यही सड़ते रहो। साले मुझे धोखा दिया माइल्स, गद्दार कहके। अब तू नहीं बचेगा, अब तू गया। हाँ ठीक हूँ, इसी बहाने मुझे कुछ दिन छुट्टी मिल जाएगी, है ना? हाँ, एफबीआई वालों को आपसे बात करनी है डिटेक्टिव मलोन। आखिर आ गए। मैं हूँ पीटरसन, रीजनल डायरेक्टर एफबीआई। तुमसे कुछ बात करनी है। एक मिनट, जरा रुकिए। मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ इतना ही पूछना है, ये आदमी आपके डिपार्टमेंट का है या नहीं? हाँ बिल्कुल, हमारे डिपार्टमेंट का है। यहां जो हुआ उसकी मैं पूरी तहकीकात करवाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे आपके पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों न करनी पड़े। मलोन जी, शाबाश। ठीक है मलोन,
मेरे आदमी पिछले एक घंटे से सभी शहरों की पुलिस से बात करते रहे हैं ये जानने के लिए कि तुम किसके लिए काम करते हो और कहां से तबादला हुआ है तुम्हारा। मैं जानता हूं तुम हमारे डिपार्टमेंट के नहीं हो। वक्त आ गया है कि तुम हमें बता दो सच क्या है। मैं मैक्सिको पुलिस से हूँ। मैक्सिको पुलिस से? देखिए सीमा के उस पार क्या दिख रहा है, उसी देश में मेरा जन्म हुआ था, मैक्सिको में। तुम मैक्सिको के हो? ठीक पहचाना, मेरी माँ के मौसी के बाप की तरफ से। हाँ ऐसे ही लग रहा था। लगना ही चाहिए मेरे दोस्त। हाँ पर देखिए मुझे आपको ये सब बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये देश से गद्दारी होगी। क्या होगी? अपने देश से गद्दारी। मुझे खास मकसद से यहाँ भेजा गया था, ये मैं अपने देश के लिए कर रहा था। उस लाल, उस सफेद और क्या है, उस हरे झंडे के लिए। अब अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं सरहद पार वापस अपने देश जाना चाहूंगा, वहां अपने कुछ जिगरी दोस्तों से मिलूंगा और उन्हें इस सब के बारे में क्या क्या हुआ वो सब कुछ बताऊंगा। तब तक आप डट कर काम करते रहिए, मैं चलता हूँ। टैंगो एल क्वाटोस लॉस पैनलोनेस एल नीनो अमिगो मेक्सिकाना टाको एंचिलाडास बरिटो। कभी कभी ऊपर वाला भी चोरों पर मेहरबान होता है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। मलोन, मलोन। हाँ क्या है? मैक्सिको जाने से पहले अपनी स्पैनिश ठीक कर लो, क्योंकि तुमने उन आदमियों से ये कहा कि बड़े गधे होते हैं मैक्सिको वाले। ओ, ओ, आ, वो क्या है कि मैं इतने सालों से बाहर रहा तो वो भाषा समझ रहे हो ना? हाँ थोड़ा तो समझ में आ रहा है। लोगन ना? क्या? ओ तेरी। कैसे पता चला मेरा नाम? वो मैंने इस तरह से सोचा कि अगर मैं माइल्स लोगन होता और मेरा हीरा पुलिस थाने में छुपा होता तो मैं क्या करता, तब मैं एक चोर की तरह सोचने लगा। तुमने ऐसा सोचा? यकीन नहीं होता। ये वाकई बड़ा मुजरिम है, इसकी गिरफ्तारी से हमारा नाम होगा। हाँ हम दोनों का काफी नाम होगा, लेकिन हम इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या कहा? तुमने अभी सुना ना एफबीआई वाले कायदे कानून के मामले में कितने सख्त हैं, वो उन मुजरिमों का पीछा कभी नहीं करते जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर चुके हो, और तुम तो हमारी सीमा के बाहर हो। अंतरराष्ट्रीय क्योंकि मैं सीमा के इस पार हूँ, अब मैं यहाँ हूँ और तुम वहां हो, इसलिए तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अरे यार ये सीमा वाला कायदा मुझे बहुत पसंद आया। तो हम लोगों की ये आखिरी मुलाकात है। हा? हाँ पर शायद भविष्य में तुम्हें गिरफ्तार कर ले। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। अपना ख्याल रखना मलो। और आप भी। ओ, 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 सीमा नहीं पार कर सकते। हाँ अलविदा दोस्त, फिर मिलेंगे। हाँ वीवा लास मेक्सिको, मैं आ रहा हूँ। इस बंदर को संभालना मेक्सिको। In clusters, busters, they wanted to rush us. Love the way you sparkle when the sun touch you. When you blush, you turn blue if your grade is right. You can light up the whole room, turn the day from night. When the summertime is in and the tops are down. Uh-huh. With you around my neck, we lock the whole block down. Right. It took short sleeves, it is now that I understand. The reason they call you ice, everybody freeze. Independent in the sun, who can shine like you? And that platinum and the charm, who can blind like you? The direct reason why do the crimes they do. I used to snatch the necklace right off the reckless fool. Cause I was jealous that they were so next to you. So I devoted half my time to invest in you. The other half was spent on protecting you. Cause you belong to me. Now sing a song for me. Come on. Come here, baby.
wonder about the juice I got. I took you from the projects and an abusive pops. From the bottom to the top, the skateboard to the drop. From the nada to the products, I got you like I got you. From the first time I put you around my neck and lock you, it was then I knew everywhere I went you follow. Soon I spent every dollar, you became my habit. All the brothers' vice was smoke, mine was cash. The more checks I got, the more I laced my crew. The rocks got bigger, watch face got blue. Tricked the little... I laced my boo. Oh, get my mistress, I laced her too. Cop my jewels twice like deja vu. If they ever met in the mall, was over, y'all. Just the way I do, and either way you win. I mean, the thugs love you and your girl's best friend. Come here, baby, you draw my baby down. In the gold chain, you thug. Sometimes you're giving just because. And a tennis bracelet means they want relations. Know that they want to. The only reason they give you up. In the hands of gold diggers, you never enough. Rings, things, just never enough. But me and you together, gon' shine to the end. I mean, the thugs love you, but your girl's best friend. Come here, baby, you know my baby thug. What you gon' do when it come for you, come for you, huh? What you gon' do, what you gon' do when it come for you, come for you, what? No, ain't nowhere to run. No, ain't nowhere to hide. When the heat is on, ain't nothing you can do. Close your eyes and ride and hope you get away. No, people always talk about my lifestyle. Tell me nothing good can come of it. But I always used to figure it was worth my while. That's why I had to get this lit. 11:30.